कहाँ से आते हैं ये? 90,000 लोगों ने कहा था कि यस, तो उन्होंने मुझे ना वीडियो के लिए लगा रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने कल इंस्टाग्राम पे पूछा था, आरुष ने मेरा रैंडमली ऐसे स्टोरी डाला था कि मुस्कान दीदी आप ये क्या करिए, फिर अचानक उसने पूछ लिया था कि आपको जानना है मुस्कान दी के वैनिटी में क्या है। तो कम से कम 90,000 लोगों ने कहा था, अरे बस यार, 90,000 लोगों ने कहा था कि यस, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो यहाँ पे मुस्कान दी परफ्यूम लगाते हुए, अटेंशन मत लो, वीडियो में ना स्मेल नहीं आएगा। अरे तुम मुझे खुद के लिए लगाना है? अच्छा, मुझे ला वीडियो के लिए लगा रहे। अरे खुद के लिए इंसान रेडियो के परफ्यूम तो लगा। मुझे ऐसा लगा क्या वीडियो में? चलो दिखाऊं मैं आपको। ये है मेरा वैनिटी, वैसे तो ये यहाँ नहीं रखा रहता, अंदर रूम में रखा रहता है, पर अभी अभी मैंने मेकअप किया है तो। और इसमें मेकअप सिर्फ 60% है, बाकी 40% और भी सारा सामान है, तो आपको दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारी सी चीज बताती हूं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आरुष को थप्पड़ मारेंगे। अरे तो सबसे पहले आरुष को थप्पड़ नहीं लगा रहा था, सबसे पहले मैं अपनी वैनिटी खोलूंगी और आपको बता दूं, मुझे ये वैनिटी मेरी मम्मी ने लाके दिया है। मेरी हर एक चीज मैंने आज तक कभी खुद कुछ नहीं लिया है, सब कुछ है तो मम्मी लाती है, सिमरन लाती है। सिमरन पहले तुम आवाज कर लो। ओके, तो मैं खोलती हूँ अपनी वैनिटी। अब मैं रेडी हूँ और लाइट की थोड़ी सी कमी हो रही थी तो ये देखो, उसके पीछे लाइट के पीछे सिमरन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेकअप की वैनिटी कम, इसको मेकअप का खजाना बोलेंगे। तो ये खुल चुका है तो मैं आपको बताती हूँ और मैं आपको भी बताती हूँ, आप भी देखना मस्ता लीजिए। ओके ओके, तो इसमें 7 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। इसमें है ब्रशेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्रशेज है, और एक ये स्प्यूली है, इससे आई लैशेज को वो करते हैं। और ये मेकअप रिमूवर है, ये लेंस वाटर है, ये लेंस केस है, ये सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में है ये कॉन्टरिंग स्टिक है, इसे नोज को कॉन्टर करते हैं, चीक्स कॉन्टर करते हैं, वो है मस्कारा 1, मस्कारा 2, मस्कारा 3, और ये है लिप बाम। ओके, ये वाले सेक्शन में बस इतना ही। दूसरे सेक्शन में थोड़ा सा सामान क्या क्या मैं बताती हूँ। सिजर्स है, ताकि कभी आईब्रोज कट करना हो, कुछ भी कट करना हो तो। एक सुई धागा है, कभी हम कहीं जाए तो जरूरत पड़े सुई धागे की, कुछ कपड़ा टाइट करने के लिए। शार्पनर है, शार्पन करने के लिए। पिन, ये तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है तो ये भी मैं रखती हूँ। और ये बालों के क्लिप्स है, वो रखती हूँ। ये आई लैश जो लगाते हैं ना नकली, ये उसका ग्लू है। एक रेजर रखा हुआ है मैंने ऐसे ही। ये नेल फाइलर है, नेल्स फाइल करते हैं इससे, अभी फिलहाल तो मेरे नेल्स है नहीं। और ये है हम एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे बाल होते हैं आईब्रोज के, अपर लिप्स के, इमरजेंसी में अगर हम पार्लर ना जा सके तो इससे हम वो निकालते हैं। और मेरे ना एक छोटे से इयररिंग्स रखे हुए हैं इसमें, कि मैं हमेशा पहनती हूँ ना, तो कभी कान में कुछ नहीं हुआ तो पहन सकती हूँ। ये वाला सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन में क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये सेक्शन में है फाउंडेशन, 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 मेकअप सेटर मतलब मेकअप फिक्सर, ये भी, ये बनाना पाउडर है, इससे भी मेकअप सेट करते हैं। तो ये सेक्शन में सिर्फ इतना है। दूसरे सेक्शन में है ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये तो दुनिया में हर 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 किसी के पास होगा जो मेकअप करता है। एक नेल पॉलिश रखी हुई है, वैसे और भी बहुत सारा सामान है पर वो अलग से है, नेल पॉलिश है। ईयरबड्स है, क्यूटिप जो मैं यूज करती हूँ, मुझे नहाने के बाद हमेशा लगता ही है। प्राइमर है और ये दोनों कंसीलर है, ये केस में इतना ही है। अब ये वाले सेक्शन में है लिपस्टिक। अब इतनी सारी लिपस्टिक है तो मैं एक एक करके आपको बता तो नहीं सकती, तो मेरे ये सेक्शन में है लिपस्टिक। और ये लास्ट सेक्शन है मेरा, ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा सेक्शन है, क्योंकि इसमें एक छोटू सा डस्टबिन है। तो इसमें एक हैंड मिरर में रखती हूँ हमेशा, ठीक है, और एक कॉटन रखती हूँ, रोज वाटर रखती हूँ, वेट वाइप्स रखती हूँ, और मॉइस्चराइजर रखती हूँ, हेयर सीरम रखती हूँ, बालों का सीरम आपको पता ही होगा, और ये मेकअप फिक्सर रखती हूँ, और
ये मेरी नाइट क्रीम है, जैसे अगर मैं आज ये घर पे नहीं सो रही हूँ, मैं कोई दूसरे घर पे सो रही हूँ तो मिस ना हो जाए, अगर मुझे लगाना हो तो हमेशा मैं इसको अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि ये तो हर जगह मेकअप मेरा वैनिटी हर जगह मेरे साथ जाता है। और इसमें है ये ब्लशर है, आई शेडो के बहुत सारे पैलेट्स है, अभी और भी है बट वो अंदर रखे, इसमें सब फिट नहीं होते और सब में अलग अलग शेड है, इसलिए मुझे इतने सारे रखने पड़ते हैं। 3-4 ही मैंने आई शेडो पैलेट रखे हुए हैं। एक कॉन्टर पैलेट है और एक हाइलाइटर पैलेट है। और मेरी फेवरेट चीज, ऑब्वियसली हम शॉपिंग करते हैं, टिश्यू यूज करेंगे, कॉटन यूज करेंगे, तो ये मेरा छोटा सा डस्टबिन, इसके अंदर अभी भी कचरा है, मैंने डाला हुआ है। तो यही था बस मेरी वैनिटी में, और आई थिंक इसमें हर एक चीज, अगर मैं कहीं भी जाऊँ मुझे कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे हर चीज इसमें मिल सकती है। तो ये मेरा छोटा सा सूटकेस है, बहुत ही प्यारा, मुझे इससे बहुत सारा प्यार है। तो अब मैं मेकअप वैनिटी पैक कर देती हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं थोड़ा सा खाना खाती। तो खाना कैसे खाओगे? मुंह से। हमारे यहाँ आज बनी है दाल, चावल, रोटी। मैंने बनाई, हाँ रोटी सिमरन ने बनाई है। और सब किसने बनाया? मम्मी। और क्या बनाई? सब्जी तो बताई नहीं मैंने। ओ बगा, पिज्जा, वड़ा पाव, समोसा पाव, ढोकला, डोसा, पनीर की भुर्जी बनी है। ये देखो। बस अब मैं खा लूँ, भूख लगी बहुत। कहाँ से आते ही? पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा खा के। और अब ये मत बोलना कि इसको नहीं खिलाया, इसको मैंने खिलाया था पर ये बहुत नाटक कर रही थी। और खाने के बाद प्लेट हमेशा इतनी ही क्लीन होनी चाहिए। ये मिर्ची रखी हुई है? मतलब मिर्ची का? मिर्ची नहीं है, मतलब क्लीन। तू जा यहाँ। खाने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम वाली दीदी, आइसक्रीम खिलाओ ना, ये सबसे पहले मुझे दे देना। सेल्फ सर्विस, खुद लेके खाओ। आई दीदी, आप मुझे दोगे ना? खुद के लिए तुझे मैं दे दूंगी, तू हमारी टीम से बाहर है। कट्टी, और आइसक्रीम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ना बटर स्कॉच खाऊंगी, तू आइसक्रीम। मैं जो फ्री में मिल जाता हूँ वो खा लेता हूँ। देखा कैमरा चालू था तो कितना प्यार से खाती। वाह, पता है अभी कैमरा में तो कैसे खा रही थी, तुझे दिखाता हूँ। खाती है मुस्कान आ रही। चालू तो ऐसा खाती है, कैमरा बंद रहता ना। हाँ बिल्कुल सही, देख अभी कितनी मॉडेस्ट बन रही है। सही बता रहा एकदम। आप इसके ठंडा ठंडा लग गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।